जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक इसी पर है कि अपने बैंक खाते को फ्रॉड कॉल्स, फ्रॉड मैसेजेस से कैसे बचाएं, खासतौर से जो कि गूगल पे, फोनपे और पेटीएम जैसी यूपीआई ऐप्स यूज़ करते हैं। ये उनके लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं कुछ ऐसे ही ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे आप फेक कॉल, फेक मैसेजेस से अपनी यूपीआई आईडीज को सेव कर सकते हैं। खास तौर से SBI और HDFC बैंक होल्डर्स के लिए ऐसी टिप्स हैं जो जिससे कम्प्लीटली पैसे सेफ हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्निकल मिराकल चैनल। दोस्तों, हम में से कई लोगों ने सुना होगा कि किसी के 10,000, किसी के 50,000 UPI ट्रांजेक्शन से गायब हो गए खाते से। तो आज हम सबसे पहले कुछ केस स्टडीज के बारे में समझेंगे। दो केस स्टडीज में लेके आया हूँ, सुबह के हम एनालिसिस करेंगे कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वाक्य मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। उसको एक किसी XYZ कुरियर का कस्टमर केयर नंबर चाहिए था, क्योंकि ऑनलाइन उसने कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि डिलीवर नहीं हो पा रहा था टाइम से, और वो कुरियर के किसी नियरेस्ट सेंटर में फंसा हुआ था। तो उसने गूगल से एक कस्टमर केयर नंबर निकाला और उसमें कॉल किया। नंबर में कॉल तो नहीं लगी, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉल बैक आई। तो एग्जीक्यूटिव फ्रेंड से बोलता है कि मैं XYZ कुरियर कस्टमर केयर सेंटर से बात कर रहा हूँ, आपने कॉल किया था, अब अपनी समस्या बताएं। तो मेरे फ्रेंड ने अपनी समस्या बताई तो उसने विश्वास दिलाया कि आपका प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा, बस आपको मैसेज में भेजे हुए एक लिंक पर क्लिक करके फॉर्म सबमिट करना होगा। अब उस फॉर्म में मोबाइल नंबर, नाम और UPI ID पासवर्ड फिल करना था। UPI ID पासवर्ड जो कि प्राइवेट चीज़ होती है, जिसको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। अब मेरे फ्रेंड ने ये विश्वास किया कि मैंने ही कॉल किया है और वहीं से उसी के कस्टमर केयर से बात हो रही है, तो ये फॉर्मल चैट है। तो उसने फॉर्म सबमिट करा फिल करने के बाद, और जैसे ही सबमिट करा कुछ समय बाद, 2-3 ट्रांजेक्शन होने के बाद उसका अकाउंट नील हो गया। एक बार एक बंदे को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो अपने फ्रेंड से मांगता है। उसका दोस्त उसको फोन पे के थ्रू पैसे सेंड करता है, लेकिन वो पैसे पेंडिंग में चले जाते हैं। कुछ घंटे वेट करने के बाद भी जब पेंडिंग क्लियर नहीं होती है, तो वो ट्विटर के जरिए फोन पे को ट्वीट करता है और अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है, और साथ में अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता है। कुछ घंटे बाद एक एग्जीक्यूटिव का कॉल आता है, जो कि अपने आप को फोन पे का कस्टमर केयर एजेंट बताता है। वो कस्टमर को ये बोलता है कि आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड करें। कस्टमर ऐसा ही करता है, एप्लीकेशन डाउनलोड करता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोलता है कि आप इस एप्लीकेशन के थ्रू 5 रुपये की ट्रांजेक्शन करें। जब ये पूछता है कस्टमर की ये ट्रांजेक्शन क्यों करनी है, तो बोलता है कि सिर्फ ये चेक करने के लिए कि ये प्रॉपर आपकी UPI ID काम कर रही है या नहीं कर रही है, सिर्फ ये कन्फर्म करने के लिए। कस्टमर सोचता है कि केवल 5 रुपये की ट्रांजेक्शन कर देते हैं। जैसे ही वो ट्रांजेक्शन करता है तो सारा डेटा उसको मिल जाता है, UPI ID पासवर्ड मिल जाता है। उसके बाद एक एक करके 2-3 ट्रांजेक्शन्स अनऑथराइज होती हैं और उसका अकाउंट नील हो जाता है। तो इन दो केसेस से हम ये देखते हैं कि हम अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने अकाउंट को कैसे सेव कर सकते हैं। पहला तो कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करने को बोले कतई ना करें। अगर कोई कॉलर लिंक में क्लिक करने को बोले या किसी वेबसाइट में जाकर कोई फिल करने को बोले, तो कभी भी ना करें, क्योंकि इनसे अपने मोबाइल का डेटा सारा हैकर के पास पहुंच जाता है, और जो भी हम मोबाइल में करते हैं वो सब हैकर देख सकता है। कभी किसी को भी नेट बैंकिंग और UID पासवर्ड बिल्कुल ना बताएं, OTP बिल्कुल भी ना बताएं, और किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट में जाके कोई भी फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपनी ATM की डिटेल्स ना दें, जैसे पिन नंबर, CVV नंबर बिल्कुल भी ना दें, और अपना कॉन्टैक्ट नंबर कभी भी सोशल मीडिया में शेयर ना करें। इससे कई हैकर्स को आपके कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाती है और कॉल करके वो बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप फिर भी हैकर के झांसे में आ जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखें, और जो भी UPI ID ऐप आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑलरेडी एडेड फ्रेंड्स में से किसी भी एक को अपना सारा पैसा ट्रांसफ़र कर दें तुरंत, और इसके बाद कस्टमर केयर को कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं। वो आपको सारा प्रोसीजर बताएगा कि क्या करना है।
कुछ बैंक की वेबसाइट्स में तो नेट बैंकिंग के थ्रू यूपीआई आईडी डिसेबल करने के ऑप्शन भी होते हैं, जैसे एसबीआई में। एचडीएफसी यूजर्स के लिए जो ट्रांजेक्शन अलर्ट के रूप में एक टेक्स्ट मैसेज आता है, उसमें एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होता है, उस कॉन्टैक्ट में क्लिक करके कॉल करके अपनी कंप्लेन दर्ज कराएं, क्योंकि एचडीएफसी नेट बैंकिंग में यूपीआई आईडी डिसेबल करने का ऑप्शन नहीं है। एट लास्ट जब आपका पैसा सेफ हो जाए तो अपने मोबाइल को रिसेट मार दें, ताकि हैकर और आपके मोबाइल के बीच में इंटरफेस डिस्कनेक्ट हो सके। एट लास्ट हर बैंक यूजर्स जो यू पी आई डी एप्स जैसे गूगल पे फ़ोन पे यूज़ कर रहे हैं, वो एक बार नेट बैंकिंग में लॉगिन करके एक बार जरूर चेक कर लें कि उनके बैंक यू पी आई डी डिसेबल करने की फैसिलिटी देते हैं या नहीं। और मैं तो हर बैंकर्स बैंक को बोलता हूँ कि वो ये इस फैसिलिटी को जरूर प्रोवाइड करें, ताकि कोई भी बंदा घर बैठ के अपनी यू पी आई डी को डिसेबल और इनेबल कर सके। अगर हैकर के पास आपकी यू पी आई डी डिटेल्स हैं तो आपको बैंक से लिंक्ड मोबाइल को चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ बैंक मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए फैसिलिटी एटीएम के थ्रू भी देते हैं, जैसे एचडीएफसी और एसबीआई। बाकी आप अपने कस्टमर बैंक के कस्टमर केयर में कॉल करके पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे आपको ये पता चलता है कि यू पी आई डी को कैसे सेव कर सकते हैं, और अगर हैक हो गया है तो भी अपने अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अब अगले एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।